हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ आप में से बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए इवन कुछ कमेंट्स में कुछ मेल में कुछ व्हाट्सएप के थ्रू कि और इवन जो लोग मेडिसिन पढ़ते हैं उनका पहला सवाल यही होता है कि एक दिन में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं बहुत सारे करीब लाखों लोग पैदा होते हैं क्या सभी एक जैसे होते हैं क्योंकि इसके लिए सपोज कीजिए कि किसी का हम डेट डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि नहीं आ, आपका कैरियर ऐसा है आपको सक्सेस मिलेगी क्या दूसरा इंसान भी वैसे ही होगा फॉर एग्जाम्पल जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ उस दिन बहुत लोगों का लाखों लोगों का जन्म हुआ होगा तो क्या सब सेम है और दूसरा इसका जवाब जो कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट देते हैं जो कि इसका असली जवाब नहीं है वो ये जवाब देते हैं कि सबके नाम तो अलग होते हैं लेकिन नहीं अगर किसी दिन सपोज कीजिए जिस दिन फिर से वो एग्जाम्पल लूंगा सपोज किसी दिन मोदी जी का बर्थ हुआ है जिस दिन उस दिन उस बहुत सारे उनका जन्म हुआ होगा और उनमें से कईयों का नाम आ, मोदी जी के नाम से रिजेंबल करता होगा उन्हीं के नाम का जैसा होगा तो फिर अलग कैसे फिर चीजें अलग कैसे तो आज मैं आपको इस चीज का क्लैरिफिकेशन दूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि क्यों हम ये कहते हैं कि जिस एक एक दिन अगर दो लोग अगर मल्टीपल लोगों का बर्थ होता है तो वो सब अलग अलग होंगे ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिडिक्शन कभी भी खाली न्यूमरोलॉजी को देख के नहीं की जाती है और ना ही कोई प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी को देख के की जाती है आपको इन दोनों की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब ये कंबाइन होंगे तभी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ सपोज कोई डेट ऑफ बर्थ है तो क्या होगा ये एस्ट्रोलॉजी ही क्यों इम्पोर्टेंट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चेंज लेके आती है क्योंकि अब बर्थ तो चलिए सबका एक ही मतलब जन्म तो एक ही दिन हो गया लेकिन समय तो अलग होगा समय तो सबका अलग होगा राइट right? तो अब कैसे एस्ट्रोलॉजी अंतर लेके आती है हम ये देखते हैं मान लीजिए सपोज कीजिए पहला आज जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं बात करते हैं कैरियर की कि कैरियर कोई इंसान अगर पूछता है कि मेरा कैरियर कैसा है और न्यूमरोलॉजी से अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ टेन टेन सपोज कीजिए टू थाउजेंड है इसका डेस्टिनी नंबर फोर आ गया बेसिक टू आ गया तो इस दिन सपोज कीजिए एक लाख लोगों का बर्थ हुआ है तो सबका कैरियर कैसा रहेगा तो देखिए सपोज एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे लिखते हैं और इधर पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए न्यूमरोलॉजी लिखते हैं ठीक है अब क्या होगा मान लीजिए किसी की एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव होगी पॉजिटिव यानी कि उसके जो चार्ट है वहां पे टेन इलेवन टेंथ हाउस का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता होगा अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो आप प्लीज आ, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं मेरे बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन चलित चार्ट के थ्रू देखे जाते हैं क्योंकि राशि चार्ट और चलित चार्ट में मैं थोड़ा सा हम टॉपिक से उधर जा रहे हैं लेकिन ये नॉलेज होनी चाहिए चलित चार्ट और राशि चार्ट में अंतर ये है राशि चार्ट जो आपका आप लग्न चार्ट लगने चार्ट बोलते हैं जिसको वो ये दिखाता है कि ये पर्टिकुलर प्लेनेट यानी या फिर ये पर्टिकुलर ग्रह इस राशि में बैठा हुआ है उसका घर से कोई मतलब नहीं है जो घर की एक्चुअल पोजिशन दिखाता है वो होता है भाव चलित चार्ट तो चलित चार्ट में हमें ये देखना है कि दस और ग्यारह घर और का क्या कोई रिलेशन बनता है इतना हमें देखना है मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी बहुत पॉजिटिव है ठीक है न्यूमरोलॉजी अगर नेगेटिव हो गई तो जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा वो होगा एवरेज मतलब है कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है क्यों क्योंकि कैरियर के केस में न्यूमरोलॉजी हमेशा डोमिनेट करती है अगर न्यूमरोलॉजी ने कह दिया ये अच्छा है तो फिर उसके बाद वो कितना अच्छा है ये एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करेगा लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी ने कह दिया नेगेटिव है तो लाइफ दियाज चाहिए लो है, है? तो दस, दस लोग मेरे पास आते हैं और मेरे से कहते हैं कि प्रिडिक्शन करने के लिए तो हम चार्ट न्यूमरोलॉजी तो मान लीजिए नेगेटिव दिखा रही है लेकिन किसी के चार्ट में चार्ट में क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं या तो चार्ट पॉजिटिव होगा या चार्ट एवरेज होगा या चार्ट न्यूट्रल होगा चार्ज नेगेटिव होगा ये कैसे हो सकते हैं न्यूमरोलॉजी अगर देखिए न्यूम्रोलॉजी क्योंकि हमने कहा है कि सभी की नेगेटिव है सपोज क्योंकि एक दिन में अगर इसके लिए सपोज ये कोई पहला इंसान है इसके लिए जो नंबर चल रहा होगा वही ईयर नंबर या फिर वही अंतरदशा का नंबर वही महादशा का नंबर सभी के लिए चल रहा होगा ठीक है अब ये नेगेटिव है अब हम एक उस उसपे देखते हैं कि कैसे होगा अब मान लीजिए इसको क्योंकि इसकी एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव है न्यूमरोलॉजी नेगेटिव है तो इसको क्या होगा इसको सपोज कीजिए पहले पिछले साल सपोज इन सभी को थाउजेंड का प्रॉफिट हो रहा था फॉर मैं के तो समझा रहा हूं. रुपीस का हो रहा का प्रॉफिट हो था यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव है न्यूमरोलॉजी नेगेटिव है तो क्या होगा इसको जो अब प्रॉफिट होगा वो होगा आपका थ्री हंड्रेड रुपीज का फर्स्ट वाले को क्यों इसके चार्ट में दस ग्यारह है इसका चार्ट एवरेज है इसका चार्ट मान लीजिए दस Uh, दो तीन इस तरीके से इसके चार्ट अवेलेबल है तो इसके इसको क्या होगा इसको हंड्रेड का होगा इसको क्या है एस्ट्रोलॉजी न्यूट्रल है मान लीजिए दो तीन चार पांच ये सब प्लेनेट अवेलेबल है और न्यूमरोलॉजी नेगेटिव है तो इसको जो लॉस होगा वो होगा माइनस टू हंड्रेड रुपीज का क्योंकि क्यों क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमेशा डोमिनेट करती है कैरियर के केस में मैं कैरियर का केस बोल रहा हूँ क्योंकि लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं मान लीजिए अगर हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं चाइल्ड बर्थ में एस्ट्रोलॉजी डोमिनेट करती है जो जिस डायरेक्शन में एस्ट्रोलॉजी लेके जाएगी वही डायरेक्शन होगी अब ये है नेगेटिव ये रिलेट करता है आपका जॉब लॉस से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नेगेटिव होने का मतलब है कि अंतरदशा या महादशा में कुछ ऐसे नंबर आने चाहिए या ऐसे कॉम्बिनेशन बनने चाहिए जो थोड़ा सा कैरियर को डिस्टर्ब करते हैं अब एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन भी था कि क्या है सपोज कीजिए आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे जिसमें मेरी क्लासेस की जो वीडियोस है जिसमें मैंने बताया है कि डबल नाइन ट्रिपल नाइन कैरियर के लिए खराब होता है लेकिन प्लीज इस बात को समझिए वहां पे भी मैंने समझाया है और यहाँ पे भी मैं फिर से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ ट्वेंटी जीरो है तो इनके उसमें जो ये तीन नाइन आएंगे ये नेगेटिव नहीं होंगे ऐसा नहीं है कि बाइबर जिसका ट्रिपल नाइन आ गया वो नेगेटिव हो गया ये नेगेटिव होगा जब महादशा या अंतरदशाटिव आ गई मान लीजिए महादशा अंतरदशा में हमने कहा कि एक और नाइन आ गया महादशा तो इस में नेगेटिव होगा ऐसा नहीं होगा कि किसी का बाईबर्थ अगर डबल सिक्स ट्रिपल नाइन या ये सब कॉम्बिनेशन बने हुए हैं तो वो खराब हो जाएगा नहीं वो तब खराब होगा जब कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा और कॉम्बिनेशन दो तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है या तो एस्ट्रोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो सकता है या न्यूमोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकता है वो तो खैर एक बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन ये मैंने आपको समझा दिया क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि बर्थ मेरा डबल लाइन है तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता वो डिपेंड करेगा कि डबल लाइन आपका जब महादशा अंतर्दशा में चेंजेस आने चाहिए वो ट्रिपल को बेसिकली ये डिस्टर्ब करना चाहिए आपका कोई भी कॉम्बिनेशन चाहे एस्ट्रोलॉजिकली करे चाहे कोई कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी करे करे तो वो डिपेंड करता है कि कैरियर खराब होगा या अच्छा होगा तो एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पे अगर मैं लास्ट में कहूँ ये है कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी को देख के ये कह देना कि आपका कैरियर अच्छा होगा या बुरा होगा ये बहुत गलत चीज है ये जो हमारे प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी में कि Uh, मतलब आजकल के टाइम पे कि नहीं आपका डेस्टिनी नंबर ये है आपका बेसिक नंबर ये है तो ऐसा होगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर एक दिन में हजार लोगों का बर्थ हुआ है इवन नाम भी मिला लो सेम है लेकिन कहीं ना कहीं उनका एस्ट्रोलॉजिकली जो चार्ट होता है वो वेरी करता है इसलिए वो चेंज आते हैं एक छोटी सी बात दूसरी बात प्रिडिक्शन जो हमेशा की जाती है वो एक को देख के नहीं कर सकते मान लीजिए मैंने वही कहा एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव है न्यूमोलॉजी नेगेटिव है रिजल्ट क्या है

आ, आ, उनका सबका सेम होना चाहिए क्या तो ये है उसका बेसिक रीजन एक्चुअल रीजन इसका आप ये कह सकते हैं ये है तो प्रिडिक्शन जब भी की जाती है कभी भी आप लोग भी चार्ट देखें तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को मिक्स करके देखना है कभी भी सिंगल को देख के प्रिडिक्शन नहीं करनी है राइट क्यों क्योंकि बहुत सारी जगह है जैसे कैरियर है कैरियर में न्यूमरोलॉजी डोमिनेट करती है सपोज कीजिए हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज में एस्ट्रोलॉजी डोमिनेट करती है मैरिज में एस्ट्रोलॉजी डोमिनेट करती है

और तो इसलिए वहां पे एस्ट्रोलॉजी मेन रोल प्ले करती है अगर एस्ट्रोलॉजी मना कर रही है और न्यूम्रोलॉजी हाँ भी बोल रही है तो मैरिज नहीं हो सकती है प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर एस्ट्रोलॉजी मना कर... क्योंकि मैरिज केस में कैरियर केस में न्यूमरोलॉजी डोमिनेट्स बट मैरिज के, के केस में एस्ट्रोलॉजी डोमिनेट्स और एस्ट्रोलॉजी अगर मना कर रही है तो न्यूम्रोलॉजी अकेले मैरिज नहीं करा सकती है अगर ऐसे ही होता तो फिर एक दिन करोड़ों शादियां लाखों शादियां हो रही होती सारे बैंकेट हॉल बुक और फिर किसी को कुछ मिल नहीं जाता तो इसका सीधा सा रीजन यही है कि एक दिन में बहुत सारे लोग जन्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ टाइम शादी नहीं होती है कुछ की बहुत जल्दी हो जाती है कुछ की, की पच्चीस साल में होती है कुछ लोगों की तीस साल में होती है कुछ की पैंतीस साल में होती है तो वो डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजिकली कब वो पॉजिटिव टाइमिंग आ रही है कब पॉजिटिव ट्रांसिट्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कब पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है राइट तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमोलॉजी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे या फिर अगर आपको प्रोडिक्शन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बाकी प्लीज क्लास के वीडियो जो मैं डालता हूँ वो लिमिटेड होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं और अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो आप मैंने अभी आपको बताया दस ग्यारह ये टू थ्री फोर ये आप मेरी प्ले में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे सारे वीडियोज अवेलेबल वीडियो है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच